देवभूमि उत्तराखंड। यह नाम सुनकर ही हमारे मन में दो तरह के भाव पैदा होते हैं, एक तरफ भक्ति और दूसरी तरफ ऊंचे बर्फीले पहाड़ और जंगल। यहाँ की खुशबू में बहती है भक्ति और साथ में एक मिठास जो देती है हमें स्वर्ग जैसी अनुभूति, और हम खुद को रोक नहीं पाते और खो जाते हैं इस महान देवभूमि के वादियों में। ऐसा ही है हमारा महान पर्वतों का श्रेष्ठ हिमालय, हमारा अपना देवभूमि उत्तराखंड। चलिए और देर नहीं, अभी हम आपको ले चलेंगे उत्तराखंड के उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट में स्थित ट्रैकिंग और माउंटेनियरिंग के प्रसिद्ध गांव जिसके नाम है साकरी। वहां से हम चलेंगे और एक मशहूर ट्रैक बाली पास। साकरी उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट के एक मशहूर गांव है जहां से काफी पॉपुलर ट्रिक्स शुरू होते हैं, जैसे केदारकंठा, बाली पास, बोरासू पास, हरकीदुन, बरातसर लेक, मलदारू लेक, सारू ताल, देवक्यारा बुग्याल और ऐसे ही काफी सारे। यहां से स्वर्गारोहिणी, बंदर पूंछ और काला नाग यानी ब्लैक पिक के भी शानदार नजारे। बाली पास ट्रेक की पैदल रास्ता शुरू होती है तालुका गांव से, जो साकरी से गाड़ी से जाना पड़ता है। रास्ता करीबन 10 से 12 किलोमीटर के आसपास होंगे और एक या डेढ़ घंटे जैसे लग जाते हैं। तालुका एक बहुत ही पुरानी प्राचीन गांव है जहां हमें सारे घर और दुकान में लकड़ियों की बनी हुई बेहतरीन खूबसूरत मूर्तियां देखने को मिलती हैं। কেসে হ্যান্ডে কালকে যখন বলে দিয়েছিলাম যে যার নিজের পেশে, কেউ এখানে কম্পিটিশন করতে আসেনি, কেউ এখানে রেস করতে আসেনি, যে যার নিজের পেশে হাঁটবে। আর আমি সামনে থাকব বা সৌরভ সামনে থাকবে। আজ আমাদের ট্রেকিং কি পেলে দিন আর হাম চলেঙ্গে সীমা ইয়া ফির পাওয়ানি গড়, जो करीबन 12 किलोमीटर के आसपास होंगे। खूबसूरत गांव तालुका से होकर ही ट्रैकिंग का रास्ता शुरू होती है। आज का रास्ता चराई उतराई मिलाकर है। रास्ता ज्यादातर गांव के बीच में से ही होकर गुजरती है और चारों तरफ काफी खूबसूरत हिमालय के गांव के नजारे मिलते हैं। कभी पत्थर के ऊपर तो कभी मिट्टी के ऊपर, कभी धूप में तो कभी चिनार पेड़ के छांव से होकर, कभी हंसते हुए एक दूसरे के सहारा बनकर, तो कभी अकेले ही अपने धुन के मजे में चलते रहे हम मुसाफिर। आज हम खुद को यहां खोने आए हैं। आज कोई हमें रोकने वाला नहीं, आज हमें कोई पूछने वाला नहीं, आज हम आजाद हैं इन देवभूमि में। यहाँ हर एक हवा में है मिठास, यहाँ हर एक मिट्टी में है खुशबू,
यहाँ हर एक पेड़ में है एक अलग सी चैन की छांव। यहाँ मिलती है सुकून जो चाह कर भी शहर में नहीं। चलते हुए करीब 1:30 बजे के आसपास हम पहुंच गए गंगर गांव के आगे एक खूबसूरत घना जंगल, जहां सब मिलकर दोपहर की लंच खाने में व्यस्त हो गए, क्योंकि भूख लगनी ही चाहिए इतने सारे चढ़ाई चढ़ने के बाद। काफी देर चलने के बाद हम पहुंच जाते हैं टॉन्स वैली में और हमें स्वागत करते हैं शानदार कंगर गांव, जहां लकड़ी से बनी हुई घर और मकान एक अलग ही खूबसूरती देती है इन वादियों में। ऐसा लगे सब छोड़कर बस यहीं रह जाए। नदी की बहती हुई सुरीली आवाज, ठंडे हवाओं के लहर में एक प्राचीन खूबसूरत गांव कंगर। कभी जंगल में पेड़ पौधों से बातें करते हुए, कभी फूलों की हंसी में खुद को खुश करते हम चलते रहे, कभी गांव के बीच से लोगों की मीठी मुस्कुराहट को मन में बिठाकर, झरने और नदियों की आवाज के साथ हम पहुंच गए पवानी करत, जो सीमा से 1 किलोमीटर आगे है। क्योंकि शाम भी काफी हो चुकी है तो आज हम यहीं रुकने वाले हैं और हम लगाने लगे अपने टैंक। घने सन्नाटे, यहां सिर्फ और सिर्फ गुनगुनाते हैं पंछियां और सुर मिलाती है नदियां। तेज सूरज की किरणों से एक अजीब सी शांति देती है ऊंचे ऊंचे पेड़, और जंगल की भीगी मिट्टी की खुशबू से हमें मिलती है एक अजीब सी चैन, जो एक पल के लिए हमें भुला देती है जिंदगी की सारी कठिनाइयां। और इस खुशी के पल को हम हमेशा हमेशा के लिए जीना चाहते हैं। हम हमेशा हमेशा यहीं पर लौट के आते हैं, बार बार, हर बार। हाँ, थोड़ी कठिनाई के सामना करना पड़ता है, पर फिर भी यहाँ शांति है। और थोड़ी चढ़ाई चढ़ने के बाद हम पहुंच गए देवशुभ ज्ञान। काफी सुंदर सा एक घास की मैदान, जहां चारों तरफ सिर्फ हरियाली ही हरियाली और ऊंचे ऊंचे हरे भरे घने पहाड़ी जंगल, और दूर से दिखाई देने लगी स्वर्ग आरोहिणी पर्वत। यहां से सीधा रास्ता हरकीदुन घाटी की तरफ निकलती है और बाएं तरफ बोरासू पास की ओर। हम जाएंगे दाएं तरफ, जो हमें सीधा ले चलेगा रेन बसेरा।
देवशु भुग्याल से होकर आगे का रास्ता उतराई की तरफ चलती है, घने पाइन जंगल के अंदर से। घने पाइन के जंगल से उतरने के बाद गरजते हुए आवाज से हमें स्वागत किए सुपिन नदी। लकड़ी के पुल के ऊपर से यहाँ के नजारे बेहतरीन लगते हैं। चारों तरफ घनी हरियाली ही हरियाली और ऊंचे घने पहाड़ी जंगल के बीच में से बह रही है सुपिन नदी। अब हम नदी के बाएं तरफ से चलने लगे, बाएं पार से होकर आगे चलेंगे। काफी देर तक चलने के बाद एक शांत सी गुफा मिल गई हमें। कुछ देर के लिए हम सब यहां ठहर गए और मजा लेते रहे इस अंधेरे गुफा की। पूछते हैं लोग, क्या रखा है उन पहाड़ों में, क्या बताए उनको कि सहारा है वो बंजारों की, टूटे हुए की नई शुरुआत है वो, हम मुसाफिरों का नजारा है वो, किसी का पेट का सहारा है तो किसी का आश्रय है वो, और हम मुसाफिरों का, हम बंजारों का जीवन है वो। क्या नहीं है यहां, सारी खुशी तो यहीं मिल जाती है, हर एक पल यहां आनंद ही आनंद है, हर एक मोड़ पे ही झलक है, हरियाली की खुशबू है, फूलों की हंसी है, बहती हुई नदी की सुरीली शोर है, ठंडे हवाओं का लहर है, झरने की पानी है और परम शांति है। ऐसे ही मन में गुनगुनाते हुए, अपने आप से बातें करते हुए, हमें पता ही नहीं चला कि हम कब रेन बसेरा पहुंच गए। सुपिन नदी के किनारे हरियाली पहाड़ के बीच में शानदार घाटी में आज हम रहेंगे। कल से फिर हमारी यात्रा शुरू।